मैं डॉक्टर एम के अग्रवाल, लाल बहादुर शास्त्री महिला आयुर्वेदिक कॉलेज बिलासपुर, जिला यमुनानगर, हरियाणा से। आज के वीडियो में हम एक प्रमुख आयुर्वेदिक औषधि सीतोपलादी चूर्ण के बारे में बातचीत करेंगे। सीतोपलादी चूर्ण जो है, इसका विशेष प्रयोग हम श्वास कास में और ज्वर के अंदर होने वाली खांसी में, क्षय रोगों के अंदर होने वाली खांसी में तथा हाथ पैरों में जलन होने पर इसका प्रयोग किया जाता है। सर्दी जुकाम और सोर थ्रोट, गले के अंदर खराश होने पर टॉन्सिलाइटिस में इसका विशेष प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त सूखा रोग में, बच्चों में जिनमें लंबे समय तक ज्वर हो और खांसी हो उनके अंदर, और शारीरिक दुर्बलता हो, तब भी हम सीतोपलादी का प्रयोग कर सकते हैं। यह हड्डियों को भी मजबूत करती है। तो इस प्रकार इसके प्रयोगों के बारे में जो वर्णन भैसज्य रत्नावली में बताया गया है, उसकी जो हम साइंटिफिकली जब हम उसको एनालिसिस करते हैं तब उनके गुणों को, उपयोगों को बिल्कुल सटीक पाया गया है। दोस्तों, कमी कहाँ है इस सीतोपलादी के अंदर? खास तौर से जो इंग्रेडिएंट है वो 5 इंग्रेडिएंट से डाल करके ये बनाई जाती है। वो 5 इंग्रेडिएंट क्या है? सीतोपलादी, सी से सीता, मिश्री और ता से तवासीर, वंशलोचन, ता से पिपली मद पिपल, एला से इलायची और दा से दालचीनी। तो ये 5 तत्वों को डाल करके, 5 जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं उनको डाल करके इसको बनाया जाता है। दिक्कत कहाँ है कि मार्केट में इसके अंदर डाले जाने वाले जो इंग्रेडिएंट हैं वो सही नहीं मिलते। उसकी वजह क्या है कि एक तो जो बनाने वाले लोग हैं, क्योंकि कमर्शियली उनको बनाना पड़ता है, वो क्या करते हैं, मिश्री की जगह वो चीनी का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, मिश्री और चीनी के गुणों में विशेष अंतर है। जो मिश्री है वो कफ को हमारे शरीर से बाहर निकालती है, उसके अंदर एंटीबैक्टीरियल एक्शन भी है, उसके अंदर एंटीवायरल एक्शन भी है, प्रिजर्वेटिव भी है, एंटीसेप्टिक भी है, और यहाँ तक कि हमारी शरीर के अंदर पाई जाने वाली इम्यूनिटी को भी वो बूस्टअप करती है। इसलिए जब भी आप सीतोपलादी को लें तब यह सुनिश्चित करें कि उसके अंदर इंग्रीडियंट ठीक है या नहीं है, तभी हमें जो हम चाहते हैं वो लाभ हमें उससे मिलेंगे। इसके अतिरिक्त दूसरी जो है इंग्रेडिएंट है तवाशीर, या जिसको हम कहते हैं वंशलोचन। वंशलोचन दोस्तों क्या है, वो बांस का एक नीरस होता है, बांस का एक रस होता है जो कि हमें जो फीमेल बैम्बो से मिलता है, लेकिन असली वंशलोचन मार्केट में नहीं मिलता। आजकल 90-95% आपको नकली वंशलोचन ही मिलेगा, जिसका निर्माण सोडियम सिलिकेट और अमोनियम सिलिकेट, 2 केमिकल्स को डाल करके उसको तैयार करते हैं। उसके प्रभाव और असली वंशलोचन के जो प्रभाव हैं बिल्कुल अलग हैं, लेकिन मजबूरी है कि इसका कोई हमारे पास तोड़ नहीं है, क्या करें। जब आप इसका निर्माण अपने चिकित्सालय में या घर पर करेंगे तब आपको बाजार में असली वंशलोचन भी मिल जाता है, लेकिन असली वंशलोचन दोस्तों 2-2.5 हज़ार रुपये किलो है, और जो वंशलोचन जो नकली, जिसको तवासीर कहते हैं, जो मार्केट में आमतौर पर मिलता है वो 100-150-200 रुपये किलो मिलता है। इसलिए सीतोपलादी के जो गुण आचार्यों ने, हमारे शास्त्रों में दर्शाए हैं, उनसे हम वंचित हो जाते हैं। अब इस पिपली, इलायची और दालचीनी, ये इसके अंदर पाए जाते हैं। अब सीतोपलादी का एक्शन क्या है, जो कि साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, वो है एंटी टसिड एक्शन, जो कि एलोपैथिक की कोडीन फॉस्फेट जो एक्सपेक्टोरेंट्स हैं जिनमें कोडीन का इस्तेमाल किया जाता है, कोडीन फॉस्फेट का, वो क्या है, एंटी टसिड, अर्थात खांसी के वेगों को कम करना। अगर आपको 10 बार खांसी से आप परेशान हैं, 10 बार खांसी के वेग आ रहे हैं, तो इसके प्रयोग से वो 5 वेग 4 वेग अर्थात धीरे धीरे कम होकर के उससे छुटकारा मिल जाता है, राहत मिलती है। क्योंकि सीतोपलादी चूर्ण का जब हम प्रयोग करते हैं, विशेष तौर से मैं आपको बताता हूँ, सीतोपलादी चूर्ण एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटी पायरेटिक है, एनाल्जेसिक है, पसीना लाने वाली है, और श्वास प्रश्वास रोगों में ब्रोंकोडायलेटर के रूप में काम करती है, और हमारी इम्यूनिटी को भी मॉड्यूलेट करती है। इसलिए इसका विशेष प्रयोग आजकल होने वाले ये जो कोरोना की जो दिक्कतें आजकल रोगियों को हो रही हैं, उसके अंदर भी सीतोपलादी चूर्ण का हम जो है प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके जो मैंने आपको नेट इफेक्ट बताए कि एंटी इन्फ्लामेटरी है, एनाल्जेसिक है, एंटी पायरेटिक है, एंटीवायरल है और इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर है, यह सब इसमें पाए जाने वाले इंग्रेडिएंट्स के कारण इसके अंदर ये एक्शन पाए जाते हैं। इसीलिए आचार्यों ने इसका प्रयोग श्वास कास के अंदर, क्षय से होने वाली खांसी में, हाथ पैरों के जलन में, और यहाँ तक कि सूखा रोग के अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है। उसकी वजह क्या है, सूखा रोग के अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो है वंशलोचन पाई जाती है, जो कि मसल्स को ताकत भी देती है।
अब हम इसके इंग्रेडिएंट्स पे थोड़ा सा हम तो नज़र डालेंगे कि वो क्या है। मिश्री जो है इसके अंदर कई प्रकार के मिनरल्स जैसे कि पोटाशियम, मैग्नीशियम आदि मिनरल इसमें पाए जाते हैं और इम्यूनिटी को भी ये बूस्ट अप करती है। इसके अतिरिक्त कफ को बाहर निकाल करके और काम करती है। इसके अतिरिक्त वंशलोचन जो है, वंशलोचन के अंदर कितने गुण हैं, वंशलोचन के अंदर जो है क्योंकि मेन गुण सिलिका डाइऑक्साइड के कारण है और इसके अंदर यह जो है एसिटाइल कोलिन जो रिसेप्टर्स होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर उनको यह ब्लॉक कर देती है जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन की मात्रा बढ़ जाती है। एसिटाइल कोलिन का काम क्या है, नर्व्स को ताकत देना और हमारे मसल्स का जो है उनको एक्टिव करना, बॉडी के फंक्शन को नॉर्मल करना। इसलिए इसके अतिरिक्त बीटा टू एगोनिस्ट है, बीटा टू एगोनिस्ट होने से यह ब्रोंकाइटिस को डायलेट करती है, श्वास प्रश्वास में इससे लाभ होता है। अर्थात जो सीटोप्लाज्म है इसके अंदर नेट इफेक्ट है ब्रोंको डायलेटर, ब्रोंकाइटिस को डायलेट करना, श्वास प्रश्वास को ठीक करना, खांसी के वेगों को कम करना, सोजिश को घटाना। इसके अंदर पाया जाने वाला जो एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक एक्शन उसका कारण क्या है कि हमारे जो इम्यून सेल्स हैं उनके अंदर पाए जाने वाले कुछ फैक्टर्स हैं उनको यह रिलीज नहीं होने देती जो कि खांसी के लिए, ब्रोंकाइटिस के लिए, ब्रोंकाई को कंस्ट्रिक्ट करने के लिए गमे के अंदर जो कि प्रभावी होते हैं उन फैक्टर्स को यह रिलीज करने से रोकती है। इस इफेक्ट को बोलते हैं इम्यून सेल्स स्टेबिलाइजिंग एक्शन या मैकेनिज्म। अर्थात सीटोप्लाज्म के सेवन से जो इम्यून सेल्स हैं वो एक्टिव नहीं होते, उनके एक्टिव ना होने से श्वास प्रश्वास के आवेग रुक जाते हैं और जो लंग्स के अंदर जो सूजन आ जाती है उसको ये रोकती है। ये कारण क्या है इसका, ये किस तरह रोकती है, बीटा टू एगोनिस्ट होने के कारण, मास्ट सेल स्टेबिलाइजर होने के कारण एंड यह जो है जो प्रोटीन वन है, जो एक्टिवेटर प्रोटीन है जो डब्ल्यू बी सी को एक्टिव करती है उसको भी है एक्टिव नहीं होने देती। अर्थात इट इनहिबिट द एक्टिवेशन ऑफ एक्टिवेटर प्रोटीन वन इन डब्ल्यू बी सी, इसलिए इसको इसका जो है लाभ के इन्फ्लामेशन को कम करती है। इसके अतिरिक्त यह बॉडी में प्रोस्टेग्लैंडिंस और थ्रोम्बोक्सिन ए टू इनको भी रोक देती है। थ्रोम्बोक्सिन ए टू को एक्टिव होने से रोकने के कारण ब्लड जो है जमता नहीं है, ब्लड जो है पतला हो जाता है, प्लेटलेट्स की एग्रीगेट होने की, इकट्ठा होने, तरंग बनाने की पावर घट जाती है जिसकी वजह से हमारे शरीर के प्रत्येक अंग को बहुत ब्लड सप्लाई है बहुत अच्छी हो जाती है और श्वास प्रश्वास के रोग में जो दुर्बलता आती है ऑक्सीजन की कमी होने से उसको भी रोकती है। इसके अतिरिक्त एन एफ के भी एक पाथवे है जो कि इम्यून सेल्स में पाया जाता है उसको यह रोक देती है। इसके रोकने से क्या है कि जब एलर्जी कफ होता है उसके अंदर हमारे इम्यून सेल्स एक्टिव होकर इन्फ्लामेटरी जो फैक्टर्स हैं उनको रिलीज करते हैं जैसे साइटोकिन्स और ल्यूकोट्रींस, उनको ये रोक देती है क्योंकि उनको ये एक्टिव नहीं होने देती और रोगी के कफ को, म्यूकस को जो पतला करके हमारे लंग्स से बाहर निकालती है, रोगी को श्वास प्रश्वास में आराम मिलता है। इसके अतिरिक्त यह एक NLRP3 एक प्रोटीन होती है जो इम्यून सेल्स को एक्टिव करके उससे इन्फ्लामेटरी जो फैक्टर्स हैं उनको रिलीज कराती है, तो इसलिए ये NLRP3 प्रोटीन को भी डीएक्टिवेट कर देती है जिसके कारण इन्फ्लामेशन रुकती है और रोगी को आराम मिलता है। इसके अतिरिक्त Interleukin-1-beta और Interleukin-18 ये दो प्रकार के इन्फ्लामेटरी फैक्टर्स हैं, इनको भी है डीएक्टिवेट कर देती है, इनको ये बनने नहीं देती है जो कि मैक्रोफेजिस इन्फ्लामेशन होने पर पोल्यूटेंट्स के आने पर बनाते हैं उनको ये रोक देती है। इसलिए इट स्टॉप्स द सेक्रेशन ऑफ Interleukin-1-beta एंड Interleukin-18। Interleukin-18 जो इन्फ्लामेटरी फैक्टर्स हैं इनको कुफर सेल्स जो लीवर में पाए जाते हैं वो सक्रिय करते हैं तो उनको भी यह रोक देती है। इस प्रकार नेट इफेक्ट जो है सीटोप्लाज्म चूर्ण से क्या पड़ता है कि बॉडी के अंदर लंग्स के अंदर सूजन को रोकती है, श्वास प्रश्वास को रोकती है, ब्रोंकाइटिस को डायलेट करती है, कफ को पतला करके हमारे जो है इसके अंदर ब्रोंकाइटिस के अंदर या कफ होल्ड के अंदर कफ का निस्तारण करके रोगी को आराम मिलता है। इस प्रकार इसके अतिरिक्त इसमें पाया जाने वाली दालचीनी जो है एक विशेष घटक है, इसका मेन घटक जिसके अंदर अल्फा टर्पिनॉल और माइसेरिन और टर्पिनाइल एसिटेट नाम के तत्व पाए जाते हैं। ये तीन तत्वों का काम क्या है मैं ब्रीफ में बताऊंगा। जो अल्फा टर्पिनॉल है वो बैक्टीरियोसाइडल है और ब्रोंकोडायलेटर है और माइसेरिन जो है वो एंटी डिप्रेसेंट है अर्थात उसकी नर्व्स को ताकत देने वाला है
और टर्पिनाइल एसिटेट जो है टर्पिनाइल एसिटेट वो विशेष तौर से एसिटाइलकोलीन जो रिसेप्टर्स हैं ब्रेन में उनको ब्लॉक कर देता है, एसिटाइलिन की मात्रा बढ़ जाती है, नर्व्स को ताकत मिलती है, मसल्स एक्टिव हो जाते हैं और जो अस्थमा के अंदर स्थिरता आ जाती है उसको ताकत मिलती है। इसके अतिरिक्त यह भी जो है मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेस जो एंजाइम्स हैं जो कि मास्ट सेल्स में पाए जाते हैं उनको ब्लॉक कर देती है, उनके ब्लॉक करने से मास्ट सेल्स एक्टिव नहीं होते और रोगी को ब्रोंकाइटिस के अंदर, अस्थमा के अंदर, कोल्ड कफ के अंदर उसके लंग्स में सूजन आने से रुक जाती है और रोगी को खांसी से छुटकारा मिल जाता है। इसके अतिरिक्त जो दालचीनी मैंने अभी बताया आपको, तो दालचीनी जो है उसके अंदर यूजिनोल और सिनामिक एसिड और फिनोलिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। यह तीनों इसके एक्टिव प्रिंसिपल जो है यूजिनोल और सिनामिक एसिड और फिनोलिक कंपाउंड्स, यह जो है इनका नेट इफेक्ट है एंटी इन्फ्लामेटरी, एनाल्जेसिक, एंटी पायरेटिक, एंटी वायरल एंड एंटी ऑक्सीडेंट, ये चार प्रभाव इसके अंदर पाए जाते हैं। और ये चार प्रभाव दालचीनी के क्या हैं कि यह कॉक्स टू इनहिबिटर है तथा मोनोसाइट्स स्टेबलाइजिंग एक्शन करते हैं, अर्थात इम्यून सेल्स को एक्टिव नहीं होने देते, सोजिश को रोकते हैं जो है। इसके अतिरिक्त TNF अल्फा और साइटोकाइंस जो कि हमारी बॉडी में इम्यून सेल्स सेक्रीट करते हैं उनको ये स्टॉप कर देती है। जो WBCs साइटोकाइंस जब इन्फ्लामेशन होती है उसको रिलीज करते हैं, अर्थात जिनसे सोजिश आती है ये इम्यून मैकेनिज्म उसको ये स्टॉप कर देते हैं। इसके अतिरिक्त NFKB पाथवे को ब्लॉक करने के कारण भी यह सोजिश को कम करते हैं। और एंटी ऑक्सीडेंट एक्टिविटी है जो एंटी ऑक्सीडेंट एंजाइम्स हैं उनकी मात्रा को ये बढ़ा देती है ताकि फ्री रेडिकल्स का बॉडी में निर्माण नहीं होता और फ्री रेडिकल्स से होने वाले रोग जो है वो भी नहीं होते, जैसे अस्थमा है वो भी फ्री रेडिकल्स की वजह से होता है तो उसको भी ये रोकते हैं, तो हमारे लंग के जो सेल्स हैं वो जो है उनमें डिस्ट्रक्शन होनी, डैमेज होना रुक जाता है। इसके अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलाइजेशन मैकेनिज्म को ये स्टॉप कर देती है। क्या चीज़ है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाने वाला ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलाइजेशन, इसके कारण जो माइटोकॉन्ड्रिया वो एनर्जी नहीं बना पाते और ना बनाने के कारण जो इन्फ्लामेटरी जो सेल्स हैं या जो पोल्यूटेंट्स हैं या बाहर से जो बैक्टीरियाज हैं उनको ये वो एक्टिव नहीं होते, उनकी डेथ हो जाती है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होके। यह जो है इस प्रकार से एंटी बैक्टीरियल, एंटी पैरासाइटिक और एंटी वायरल इफेक्ट करती है। इसके अतिरिक्त मैं बात करूंगा ये जो नेट इफेक्ट है इन सारी चीज़ों का वो क्या है, एनर्जेसिक, एंटी पायरेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, ब्रोंकोडायलेटर और इम्यून सिस्टम को हमारे ताकत देने वाली है। इस प्रकार सीटोप्लाज्म के अंदर जो गुण हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं वो जो साइंटिफिकली जो रिसर्चेस सारी दुनिया में हुई है उनके अनुसार या हमारे देश में ही है वो ये प्रूव करती हैं कि ये सारे गुण 100% ठीक हैं। इसकी मात्रा के बारे में बात करेंगे, 2 से 6 ग्राम के बीच में जो भी आयुर्वेदिक चिकित्सक इसकी चयन करें मात्रा का रोग के अनुसार वो 2-3 बार 4 बार ले सकते हैं। शहद के साथ इसका प्रयोग करने से विशेष लाभ होता है क्योंकि शहद भी एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटीसेप्टिक उसके अंदर गुण पाए जाते हैं, वो सीटोपराधी के गुणों को और बढ़ा देता है। और गले की खराश में तो इसका विशेष प्रयोग हम करते हैं। इसके अतिरिक्त अगर सर्दी जुकाम से होने वाली खांसी में इसका प्रयोग करें और बनफ्शा काढ़े के साथ करें तब भी इसके आशातीत लाभ देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार आज मैंने आपको सीटोपराधी के बारे में बातचीत की, आज इतना ही, लेकिन मेरा एक बार फिर आपसे निवेदन है कि जितने भी आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं आप उनका गहनता से उनका वो अध्ययन करें और आप पाएंगे कि हम जो हमारी जो औषधियाँ हैं वो किसी भी एलोपैथिक ड्रग से कम नहीं है, लेकिन इनको बात है वो है समझने की, पढ़ने की और समझाने की। तो इसी प्रकार से मेरी ये कोशिश है कि आयुर्वेदिक की जो औषधियाँ हैं ये महा औषधियाँ हैं, इनके अंदर गुण जो हैं वो अनगिनत हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो मेरी कोशिश है कि हम अपनी जो धरोहर है आचार्यों की, शास्त्रों में बताई गई है, इसको पढ़ें, समझें और बच्चों को, BMS के स्टूडेंट्स को बताएं, तब वो दिन दूर नहीं जब आयुर्वेद का परचम हमारे देश में नहीं दुनिया में लहराएगा। तो दोस्तों आज इतना ही, फिर नई किसी नई वीडियो में किसी नई ड्रग के साथ आपके सामने फिर उपस्थित हूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।